जिले के प्रधान ब्लॉक के रहने वाले विनोद सिंह आज अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी जमीन को महिला द्वारा हड़पने का आरोप लगाया, जिसे परेशान होकर अपने परिजन संग इस मामले को लेकर अपने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। वही इस मामले में पुलिस द्वारा जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। आपको बताते चलें कि गायत्री सिंह द्वारा पीड़ित विनोद सिंह के परिजनों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके परिजनों को उनके द्वारा मारने पीटने का भी प्रयास किया जा रहा है। साथ ही गायत्री सिंह द्वारा पीड़ित परिजनों को परेशान करने के लिए फर्जी पद प्रशासन को दिया जा रहा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। जमीन की समस्या को लेकर आए हैं, जो कि हमारी माता जी के नाम पे थी और अभी 20 साल के बाद से उसको निकाला जा रहा है। विजयती जी और गायत्री जी हमें फंसाने की कोशिश कर रही हैं, अलग अलग जगह पे दरख्वास्त दे रही हैं। उनके बच्चे आके आए दिन हमारे घरों पे धमकाते हैं, हमें मारने की कोशिश करते हैं और इसी की समस्या को लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं? कह तो रहे हैं कि हाँ, समस्या का समाधान निकाला जाएगा जल्द से जल्द। गायत्री सिंह कौन है और विद्यावती सिंह कौन है? जी, प्रधा की हैं, एक माफिया टाइप की हैं जो हमें फंसाने की कोशिश करी जा रहा है। हम इसे गलत तरीके से जमीन लेने की कोशिश कर रही हैं। जबकि जमीन आप जी, और हम हमारे पास उसका पूरा प्रूफ है, एविडेंस है हमारे पास, फिर भी वो फंसाने की कोशिश कर रही है। विनोद सिंह, आपके ऊपर आरोप लगाए हैं गायत्री सिंह, आप मुख्तार के आदमी को परेशान करें, क्या मामला है? हम लोग मुख्तार से कोई मतलब लेना देना नहीं है। गायत्री सिंह और क्या नाम है विद्यावती सिंह, जानबूझ के हम लोगों को फंसाने के लिए कमलेश सिंह, विनोद सिंह और शैलेश सिंह के नाम से दरख्वास्त डाली है कि लोग मुख्तार गैंग से जुड़े हैं, घुमाफिया हैं, लोग जमीन कब्जा करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग मुख्तार विधायक से कभी जुड़े भी नहीं, ना कोई मतलब है। हम लोग अपना धंधा पानी करते हैं, झूठे मूठे हम लोग केस में फंसाया जा रहा है। किसी से न्याय गए मिले हैं? किससे मिले हैं? हम लोग रजिस्ट्रार साहब से मिले, इसके बाद CRO साहब से मिले हैं। अभी क्या आश्वासन मिला भाई? एडिशनल साहब ने कहा कि पूरी निष्पक्ष जांच कराते हैं, किसी कहने को थोड़े हो जाएगा कि मुख्तार के आप आदमी हैं। अरे, क्या लगता है कि गायत्री सिंह और विद्यावती सिंह आपके पीछे क्यों पड़ी हैं लोग? एक हम लोग जमीन लिए हैं जी 20 साल पहले की, 20 साल तक पहले कोई बाउंड्री हमारी थी, न कोई आया न गया, हम लोग बाउंड्री तोड़ दी गई जी। बाउंड्री फिर हम लोग कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब के आदेश पे कोतवाल साहब ने बाउंड्री को जुड़वा दिया। तो वह बार बार अभी कह रहे हैं कि कोतवाल साहब की मिली भगत से ही लोग बाउंड्री जुड़वा लिए। बच्चियां आई थी, इनका कहना है कि कुछ लोग उनके साथ बदतमीजी करते हैं और वो कुछ लोग ऐसे लोगों की शिकायतें कर रही थी जो बार बार उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे के उनको परेशान करते हैं। इस संबंध में हमने जांच SSO कोतवाली और IGOP न्यायालय परिसर को दे दिया है। जाँच आने के बाद जो ड्यू कार्रवाई होगी हो जाएगी। सर, किसी को करना है? अभी इसकी जांच के लिए दिया गया है, नाम आने से कुछ नहीं होता जी। जो जांच आएगी उस हिसाब से कार्रवाई होगी। थैंक यू।